तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप CSE VLE हैं तब आप CSE का ID कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आज के इस वीडियो की मदद से। आज की इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय न गंवाते वीडियो को शुरू करते हैं। आईडी कार्ड डाउनलोड करना आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि अगर आप CSE VLE तो आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। CSE के द्वारा आईडी कार्ड जारी कर दिया गया, किस तरह उसको डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा, गले में टांगने वाला बनाएंगे, किस तरह उसको रिसाइज करेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, या ब्राउजर में सर्च करेंगे register.cse.gov.in तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अपना CSE ID देंगे, जो भी आपका CSE ID होगा अपना CSE ID देंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं CSE ID दे देता हूँ। उसके बाद CSE ID देने के बाद नीचे में ये कैप्चर, इस कैप्चर को इस बॉक्स में यहाँ पे इंटर करेंगे। कैप्चर जैसे इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करने से पहले आपके सिस्टम में डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए, कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट रहना जरूरी है। जब सबमिट बटन क्लिक करने कुछ इस तक सेंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्का लगाएंगे। उसके बाद नीचे में स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे आपकी मशीन पर लाइट जलेगी, फिंगर लगाएंगे। जैसे आपका फिंगर सक्सेसफुल होता है तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे। फिंगर सक्सेसफुल हो जाने के बाद रिडायरेक्ट कर दिया है डैशबोर्ड पे। यहाँ से आप अपना से पूरा सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से KYC अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से अपना CSE का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से अपना आईडी कार्ड जो कि CSE के द्वारा जारी किया गया वो आईडी कार्ड को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये प्रिंट करने के लिए बोलेगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं तो साइज सही से साइज नहीं मिलेगा और क्वालिटी सही नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लोज कैंसिल कर चुका हूँ। कैंसिल करने के बाद ये जो CSE ID है इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड से PRT और SC बटन प्रेस करेंगे, प्रिंट स्कैन बटन को प्रेस करेंगे जो कि डिलीट बटन के बगल में होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ये ले लेता है, PRT SC बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद इसका जब स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको अपने फोटोशॉप को ओपन करना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ N। जैसे ही कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे यहाँ पे एक पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो कॉपी किए थे स्क्रीनशॉट उसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद इस आईडी कार्ड को हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, जितना आईडी कार्ड है उसको हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड कम्प्लीट हो, फ्रंट साइड कम्प्लीट हो चुका है। इसी तरह बैक साइड को भी कम्प्लीट करेंगे, इसीलिए न्यू पेज लेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड के लिए भी एक पेज लेंगे और फिर से इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल V के साथ। अब जो यहाँ पे हमें बैक साइड को क्रॉप करना है तो बैक साइड को यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। कुछ इस तरह बैक साइड को भी सेलेक्ट करेंगे और बैक साइड भी यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक साइज़ देना है जो कि आईडी कार्ड की साइज होती है। आईडी कार्ड साइज देने के लिए आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 300 देंगे और विथ में 990 और हाइट में 660 देंगे। उसके बाद ओके पे जैसे क्लिक करेंगे ये जो वो आईडी कार्ड की साइज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। इसी तरह बैक साइड को भी इस तरह हम यहाँ से आईडी कार्ड की साइज दे देंगे और यहाँ से साइज देने के बाद ओके बटन पर प्रेस करेंगे और मेरा बैक और फ्रंट दोनों साइड का जो साइज है वो साइज दे चुके हैं। उसके बाद ये आईडी कार्ड में चारों साइड एक बॉर्डर देना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगी। टूल एक्टिवेट होने के बाद आपको आईडी कार्ड के चारों तरफ इस तरह सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद राइट साइड क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको विथ देना 5 और कलर यहाँ पे जो भी कलर का आप बॉर्डर देना चाहते वो कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद लोकेशन पूछेगा इनसाइड आउटसाइड सेंटर, कहाँ पे देना चाहते सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ये जो बॉर्डर है ये आईडी कार्ड के चारों साइड ये बॉर्डर लग चुका है। ये देखिए आप मेरा जो आईडी है ये कितना अच्छा दिखने को लग रहा है, ठीक है। और इसको भी हम बैक साइड में भी एक दे देंगे बॉर्डर, तो बैक साइड में बॉर्डर देते हैं।
बैक साइड में भी बॉर्डर दे चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर हम चाहें आईडी कार्ड में क्यूआर कोड वगैरह देने के लिए तो क्यूआर कोड भी दे सकते हैं। क्यूआर कोड देने के लिए यहाँ पे आएंगे और इसी वेबसाइट पे यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन, सर्टिफिकेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट में जो यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया ये भी मेरा ही है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, PRTSC बटन पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे फिर से हमको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। फोटोशॉप ओपन करेंगे, फिर से एक नया पेज लेंगे, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे और यहाँ पे एम प्रेस करने के बाद कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे, क्यूआर कोड जो यहाँ पे दिया गया इस क्यूआर कोड को यहाँ पे इस तरह क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्यूआर कोड को भी क्रॉप कर चुके क्योंकि ये क्यूआर कोड जो मेरी जानकारी से ही बना हुआ है। उसके बाद ये इस क्यूआर कोड को मूव टूल की मदद से मूव करके आईडी कार्ड में लाएंगे। तो आईडी कार्ड में यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे इसको क्यूआर कोड को नीचे में कर देंगे क्योंकि ये जानकारी जो क्यूआर कोड की ये भी मेरी है और ये आईडी कार्ड भी मेरी है, सर्टिफिकेट मेरी है। तो इसमें जो जानकारी क्यूआर कोड में ये सेम जानकारी, ठीक है। तो यहाँ भी क्यूआर कोड हो चुका। इसी तरह अगर आप चाहे तो डिजिटल इंडिया की लोगो दे सकते हैं जो कि सर्टिफिकेट पे दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। तो यहाँ बैक करने के बाद यहाँ फिर से क्रॉप टूल को सेलेक्ट करके इसको डिजिटल इंडिया को, डिजिटल इंडिया पोर्टल का जो ये लोगो है इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं। इसको भी क्रॉप कर चुके। क्रॉप करने के बाद इसको भी मूव टूल से मूव करके ये आईडी कार्ड में लाएंगे और इसको नीचे में एक साइड में यहाँ पे दे देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो दिखने में अच्छा लगे तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे आईडी कार्ड में दे चुके। ये हमारा आईडी कार्ड कंप्लीट हो चुका है, कितना बेस्ट लुक में यहाँ पे आईडी कार्ड है। तो इसी तरह अगर हम चाहे तो एक और दे सकते, कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पे सर्टिफिकेट पे लिखा हो इसको भी हम क्रॉप कर सकते, इसको भी अगर चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं। इसको भी क्रॉप करके मूव टूल से हम यहाँ पे इसको यहाँ पे आईडी कार्ड के नीचे में यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब जो मेरा आईडी कार्ड है ये एक प्रोफेशनल लुक में, अच्छा सा लुक में बन चुका है जिसमें क्यूआर कोड वगैरह सारा चीज़ के साथ मेरा आईडी कार्ड और एक आईडी कार्ड के साइज़ में रेडी हो चुका है। तो इसी तरह ये मेरा आईडी कार्ड है और यहाँ पे इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। मेरा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब इसे प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक पेज फिर से लेना होगा, ठीक है। तो प्रिंट करने की फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे न्यू, उसके बाद यहाँ से एक पेज ले लेंगे, यहाँ पे A4 पेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ये कंट्रोल एन प्रेस करके भी आप ले सकते हैं। उसी के साथ ही यहाँ मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम यहाँ पे इसको मूव करने से पहले इस ये इमेज को हम JPG में पहले सेव कर लेंगे अपने सिस्टम पे। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेवर्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे JPG में। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं JPG में अपने डेस्कटॉप पे। सेव करने के बाद इसे फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं और फिर से जहाँ मैंने सेव किया हूँ वहाँ पे ये मेरा इमेज, इसको हम फिर से फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। अब जो फोटोशॉप में ओपन करेंगे अब इसको मूव करना है, मूव टूल सेलेक्ट करके इसको न्यू पेज में मूव करना कुछ इस तरह का। मूव करने के बाद यहाँ पे मेरा फ्रंट साइड मूव हो चुका उसी तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मूव बैक साइड को भी मूव करके, तो यहाँ पे बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड को जो है मूव करके यहाँ पे इस तरह ला सकते हैं। तो ये मेरा उसको ऊपर नीचे कर देख लेंगे सब बराबर में है तब आपको प्रिंट करना होगा। ये मेरा आईडी कार्ड जो कंप्लीट हो चुका है एक अच्छा सा लुक में ये देख सकते हैं। तो इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ P भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट करने के लिए आप अपने यहाँ फाइल पर क्लिक करके, फाइल विद फिर व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट कर लेने के बाद आपको अपने नज़दीकी प्रेस में जाना, वहाँ से गला में टांगने वाला वो ले लेना और इस आईडी कार्ड को उसमें लगाकर आप गले में टांग सकते हैं। उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।